हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, यहाँ पे ये जो मुद्दा आया है रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट के साथ, ये जो धोखाधड़ी हो रहा है, सीधा कह सकते हैं उसी के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर बात करने आए हैं कि कब तक आखिर रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट कब तक अन्याय को सहेगा। अब देखिए, हमको पता है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिया गया, जैसे आपका ये सब जो आया, ये सब आपका ऑफिशियल आया कि आपका ग्रुप डी से सीबीटी टू को हटा दिया गया। बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत अच्छा काम किए हैं आप, जो कि झमेला झूठ मूठ का लगा दिए थे और इतना दिन डिले हो रहा है। दूसरा आपका है कि ईडब्ल्यूएस वाला मैटर बहुत कुछ सही से हुआ, मेडिकल स्टैंडर्ड को भी चेंज किया गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मजाक बना के रखे हैं, का है ये जुलाई 2022, ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई 2022 में होगा, तो जुलाई 2022 में क्या गारंटी है? वो भी आपका टेंटेटिव भाई, वो भी तो आपका फाइनल एग्जाम कैलेंडर नहीं है, कहा गया था कि एग्जाम कैलेंडर देने के लिए, तो वो भी आपका नहीं है। 23 फरवरी से आपका होने वाला था, 23 फरवरी से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला था, और आप फिर अब टान दिए जुलाई 2022। क्या आपने लड़का को यहाँ पे क्या समझ के रखे हैं, मजाक बना के रखे हैं कि देखिए कि जुलाई 2022 देते देते फिर कहिएगा उस समय कि नया कौन बहाना आ जाएगा। तो अब ज्यादा मत इसको गड़बड़ाए बने, खाली इधर का उधर बात करने वाले और इधर का उधर करके इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। इस चीज को आप समझिए, हम रेलवे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट का बात सुने हैं, हर एक मुद्दा पे आगे आए हैं, इस मैटर को भी आप समझिए और एग्जाम डेट को अप्रैल में किया जाए, और नहीं होता है तो हम लोग एक बड़ा स्तर का, दोबारा से विश्व स्तर का जो है ट्विटर कैंपेन के लिए हम पूरा तैयार है। एक सभी शिक्षक से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ट्विटर कैंपेन में भाग लें, इस चीज को आप समझिए। और सभी स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक, क्योंकि देखिए क्या पता है, इतना गरीब गरीब स्टूडेंट जो है, हर एक आदमी जो है कैसे करके तैयारी कर रहा है वो हम समझ रहे हैं। हम पटना से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का इतना कॉल आता है कि वो सुनने के बाद खुद को बुरा लगता है। तो अब इसको हम लोग सहेंगे नहीं, आपको ग्रुप डी का एग्जाम अप्रैल में आप ले सकते हैं। एग्जाम तो आपका एनएससीआईटी करवा रहा है, टीसीएस भी नहीं करवा रहा है, तो फिर आपको क्या ये सब आ गया, इतना एग्जाम डिले कराने का जुलाई में, वो भी टेंटेटिव, फिर कहिएगा उस समय का अलग बहाना लगा दीजिएगा। हर एक चीज का लिमिट होता है, समझ जाइए, और एग्जाम डेट को आप जो है अप्रैल में कीजिए, आप एग्जाम डेट को आगे कीजिए, आप आगे कर सकते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। और नहीं तो एक बड़ा विश्व स्तर पे जो है दोबारा हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम को आपका जल्दी से जल्दी, आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट, पूरा एग्जाम कैलेंडर आपको चाहिए। इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट के पास, इंडिया के हर एक स्टूडेंट के पास, टीचर्स के पास पहुंचना चाहिए। और जैसे जैसे जो जो टीचर का समर्थन आ रहा है, हम जो है आपको इसमें अपडेट देते भी रहेंगे। आपका एक काम बनता है, हम आपका पूरा सपोर्ट किए हैं स्टार्टिंग से, हर एक जगह, दिल्ली से लेकर हर एक जगह गए हैं, तो अब हम कहेंगे आपका कि आप इसमें भी अपना सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो एक दो साल और बैठे रह जाइएगा। ठीक है, तो टीचर्स के पास फॉरवर्ड कीजिए और स्टूडेंट को पूरा फॉरवर्ड कीजिए, और एक डिसाइड करके हम लोग ट्विटर कैंपेन का, और भी टीचर सबसे बात कर रहे हैं, जैसा जो भी अपडेट आता है आपको देंगे, और एक एक अपडेट आपको देंगे, क्योंकि दर्द स्टूडेंट का दर्द को सुनने के बाद आपको बर्दाश्त के बाहर है। अब हर एक चीज का लिमिट होता है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हमको कुछ नहीं होगा, इतना आप लोग का प्यार सपोर्ट मिला तभी जो है यहां तक आज पहुंच भी पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी को।